गाड़ी की रिफ्यूलिंग के लिए है पेट्रोल पंप और बॉडी में एनर्जी रिफ्यूलिंग के लिए अजमेर में है द फूड पंप, जहां गुड फूड और गुड मूड के लिए है कैपेचिनो टॉप्ड विद डिलीशियस आर्ड एंड सिजलिंग पनीर टिक्का, सोया चाप, मोमोज, पोटैटो ट्विस्टर एंड मॉकटेल्स। द फूड पंप नाउ ओपन्ड बिहाइंड बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रचार प्रसार कम हुआ है। मैंने अधिकारियों को कह दिया कि घर घर जाके जो सर्वे करवा रहे हैं तो उसमें हमारे कर्मचारियों को लगा रहे हैं। 69A के जो पुराने मकान बने हुए हैं शहर के अंदर, तो उनमें वो सर्वे के साथ साथ आवेदन फार्म भी उनको जाके डिलीवर करके आएंगे, तो लोगों को पता लगेगा कि 501 रुपये में पट्टा मिल रहा है और घर बैठे कर्मचारी आवेदन पत्र भी दे के जा रहा है, तब शायद इसकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। अभी तक शिविर काफी लंबे समय चलता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि हमें एक्चुअली फायदा मिल क्या रहा है शिविर से, शिविर से दूरी उनसे तो एक कम्युनिकेशन गैप है लोगों से। वो पार्षदों को भी आप देखो, आपके सामने 3 पार्षदों को निवेदन किया है हमने और अभी कलेक्टर साहब से मीटिंग करके कहेंगे अभी प्रचार प्रसार की कमी लग रही है मुझे जो हो जाता है, तो अब इनको ये भी करेंगे टेम्पो लगा करके और पूरे शहर में है ना ये क्या नियम है, किस तरीके से प्रचार प्रसार कराना है। अपने नियम में कुछ आड़े आते थे 2004 के, पहले दस्तावेज 69A में, तो हमने काफी जो चीजें क्लियर और भी क्लियर करेंगे, जो जो मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो रहे हैं उनको, और हम जैसे फील्ड में आए तो फील्ड में कई चीजें मिल रही है उसको दे करके जयपुर में बैठ करके फिर उनका उनको मार्गदर्शन जारी करेंगे। 16 दिन का तैयारी शिविर लगाया था, पूर्व तैयारी शिविर नगर निगम का, इसके बाद 2 तारीख को पट्टे बांटे 5, तो मतलब प्रक्रिया अब ये शिविरों की प्रक्रिया करीब करीब सर 1 महीने ऊपर हो गई है अभी, फिर भी आपको क्या लगता है मतलब इसकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? नहीं, इनका जैसे प्रचार प्रसार कम हुआ ना, आप खुद ही कह रहे हो उसमें 5 ही आवेदन आए, आवेदन ही नहीं आए, सबसे बड़ी बात दिक्कत है। जिन 5 लोगों को पट्टे दिए थे उन पे उस पट्टे पे साइन नहीं थे, उनको बस वो पट्टे दिए और वापस ले लिए उनसे, अभी भी ये किसने बोला? ऐसा ही हुआ था सर, 2 तारीख को जो पट्टे बांटे थे 5, उसमें उनको कोई सील साइन नहीं थे, वापस से लेके वो कहां है तो वो मेरे को बताओ, आपके पट्टा है क्या वो किसी के पास? सिंबॉलिक दिए थे, सिंबॉलिक दिए थे पहले दिन शिविर फोटो खिंचवाने के लिए, वो एक बार देखा नहीं मैंने उसके बारे में, भिजवा देना सर 3 नगर निगम के, वो एक बार देख लेंगे, आप कॉपी भेजोगे तो पता लगेगा ना क्या है सर। ये एक रफ्तार धीमे है, क्या कहेंगे देश में जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं क्या? नहीं, मैंने वही बताया ना अभी, जैसे आप देख रहे हो, आप सुबह से मेरे साथ ही घूम रहे हो, अभी लोग बाग ले आवेदन नहीं आए, सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करा करके लोगों को जागरूक करेंगे, भाई आपको इतने कम रेट में ये पट्टा मिल रहा है सरकार का, जैसे ही आवेदन करेंगे अब वो सर्वे के बाद शायद आवेदन ज्यादा आने चाहिए। 69 सर पुरानी बसावटें हैं, आबादी है, उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ, पुरानी बसावट में 69A की जो नई ये जो हमारे पट्टा देने की धारा है उसका सर्वे कर रहे हैं, घर घर में सर्वे पर पत्र भेज रहे हैं हम, और सर्वे के साथ साथ आवेदन प्रपत्र भी भेजेंगे अगर वो पट्टा लेने का इच्छुक है तो। सर फ्री होल्ड को लेकर फ्री होल्ड का मैंने बताया ना, अगर किसी के पास 8 साल की लीज पे 99 ईयर का पट्टा मिलता था, 2 साल का और अगर वो दे देता है तो 10 साल की लीज एक मुश्त जमा हो जाती है, तो उसको हम फ्री होल्ड कर देंगे। तो अभी जैसे ये केस देखा अपन ने, उनको ये कन्फ्यूजन था कि साहब 10 साल की पहले तो जमा है लेकिन अग्रिम नहीं है, तो मैंने उनको डाटा भी चार्जशीट भी दी अभी क्या, इसको चार्जशीट दो IN को, उसको पता होना पता क्या लिखा हुआ है क्लियर लीज होल्डर पट्टा होगा, लेकिन कंफ्यूजन है 99 ईयर का लीज होल्डर है उस पर जो शर्त एप्लीकेबल थी वो फ्री होल्ड वाले पे भी है कि वो 7 साल में मकान बनाएगा, बेचेगा तो NOC लेगा, जो खरीदेगा पता है फ्री होल्ड में, फ्री होल्ड का तो है कि उसके पास किसी का अंकुश नहीं है, लीज होल्ड का 99 ईयर के बाद क्या होगा उसका? आज तो पट्टा है, पड़पोते के जाकर के वो क्या होगा, तो हमेशा के लिए फ्री होल्ड कर देना उसको। फ्री होल्ड वाला अपना मकान और प्लॉट बेचेगा तो वो तो लेगा, लेना आएगा वहाँ तो नहीं, का मतलब नहीं, फ्री होल्ड का मतलब है उसका आगे किसी का कोई वो नहीं है अंकुश, निर्माण तो स्वीकृति लेनी पड़ेगी उसको। नहीं, निर्माण स्वीकृति तो जरूरी है, वो तो बायलॉ से बनाना होगा, और क्या बताना होगा। लेकिन जैसे मैंने फ्री होल्ड पट्टा लिया, मुझे आपको बेचना है तो उसके लिए फिर NOC लेने जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना जाना, किसने जाना है? आपके आपके पट्टों में दिखा हुआ है क्या? ADA और नगर निगम के शिविर अलग अलग चल रहे हैं, क्योंकि उनको एक लगाने का कह दिया है अभी, ADA और नगर निगम के एक ही जगह, यहाँ जो आज फील्ड में देखा अपन ने, तो दोनों को एक जगह लगाएंगे, उनको दिखवा लेंगे आगे, नहीं वो कर देंगे, आप लाना पट्टा लाना आज ही अभी अभी तो ना, आप मिलना शाम को मेरे को पट्टा देना, कहाँ उसमें NOC की जरूरत नहीं है।
तनिष्क प्रेजेंट्स उत्साह। आज जिंदगी को त्योहार जैसा मनाना है, आज दिवाली का बहाना है। पाए 20% तक छूट सोने के आभूषण की बनवाई और हीरे की खरीद पर। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश।